नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरीश, ए हरीश, अरे क्या बे, क्या हुआ तुझे, कहाँ है आजकल? थोड़ा फीवर है यार। फीवर क्यों, जो नहीं देखना था वो देख लिया क्या? छी छी, ऐसी कोई बात नहीं है, बारिश में भीग गया था बस। तू ही सिर्फ भींगा क्या? हाँ हाँ, मैं ही भीगा था। क्या यार, तू भी ना मुझे ही सिखाने लगा। तू और वो आंटी कल बाइक से जा रहे थे तो मैंने तुम दोनों को जाते हुए हाईवे पे देखा था। नहीं यार, वो क्या है ना। अरे यार, कौन है वो आंटी? बारिश में भींगी, बड़ी धांसू लग रही थी। ए, उनके बारे में अनाप शनाप मत बोल। हाँ क्यों, तू उसे लाइन मार रहा है क्या? ए, बेवजह की फालतू बात मत किया कर। उनका नाम निर्मला है और जानता है उनके हस्बैंड दुबई में काम करते हैं। ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, जो सोचा नहीं था वो हो गया। ओए, क्या सही हो गया बे? नहीं समझा, जब हालात ऐसे हो तो फिर समझा कर। ओए, जो बोलना है साफ साफ बोल। अरे हरीश, अभी हम लोगों के भविष्य की शुरुआत हुई है, हम लोग कितना भी भटक जाएंगे पता नहीं चलेगा, हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे समझाने के लिए तो मेरे माँ बाप है, मगर तुझे समझाने वाला कोई नहीं। हरीश, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझे आज समझा रहा हूँ। अरे यार, तेरे लिए तो तू ही सिर्फ है, तुझे अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है। तू बचपन से बहुत दुख झेलते आ रहा है, यहाँ तेरा कोई भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूँ ना हरीश, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहो ना। इस तरह गुमसुम मूड ऑफ करके क्यों बैठे हो तुम? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो छिपा रहे हो। तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ, बताओ ना। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, लोग गलत बोलते हैं। कौन? वो है ना। बताओ भी। वो मेरा फ्रेंड रमेश। क्या बोलता है वो? अब क्या बताऊँ मैं? और क्या बोलेगा वो? आंटी को लाइन मार रहे हो, यही ना, यही बोला होगा। हरीश, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं पता। तुम्हारे और मेरे बीच में फ्रेंडशिप हुई है ना, उसी बात की जलन हो रही होगी, क्योंकि उसकी नहीं हुई ना। इन बातों पर हमें हरगिज माइंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है हरीश? जिसका पति उसका ख्याल ना रखे, उस औरत के बारे में लोग तो अनाम शनाम पकते ही रहते हैं। उनकी बातों को सुनकर तुम मुझसे बातचीत करना बंद मत कर देना। जब मैं यहाँ पहली बार रहने के लिए आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा डर गायब हो गया। मुझे छोड़कर चले मत जाना हरीश। रो मत, बिल्कुल मत रो। आज से कोई कुछ भी कहेगा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कसम। थैंक यू हरीश, थैंक यू। अरे बाप रे, क्या गर्मी है। बाइक को सर्विसिंग में देने की वजह से आज यहाँ बस का इंतजार करना पड़ रहा है। ओए, कभी कभार तो तू बस में जाता है, चुपचाप चल। अम्मा, अम्मा, एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी? तुम जैसे अभी आई हो वैसे ही जाओगी तो ठीक रहेगा। हेलो, मैं तुमसे नहीं, इनसे पूछ रही हूँ। 215 नंबर की बस आएगी, उसमें चढ़ जाना। थैंक्स। ओए, ये मुझे देख के आंख मार रही है यार। अबे ऐसी कंडीशन में वो तुझे आंख मारेगी? अबे कसम से यार। ओए, उसने मुझे फिर से आंख मारी यार। तू सच में बोल रहा है? मेरा भरोसा कर यार। कलयुग का जमाना है। हेलो हेलो हेलो, आप क्यों रो रही हैं? हॉस्पिटल कहाँ है? इन्होंने मुझे बताया, इनके बारे में सोच के रो रही हूँ।
ओए देख ले, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। आपका नाम क्या है, मैं ये जान सकती हूँ क्या? ये मेरा दोस्त हरीश है एंड आई एम रमेश। लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? हरीश रमेश, इसमें हरीश नाम बहुत मॉडर्न है, अपने बच्चे का नाम भी यही रखूंगी। मेरा नाम तुम अपने बच्चे का क्यों रखोगी? अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा पैदा नहीं होता। क्या मतलब? वो क्या है ना, आप ही ने तो बताया हॉस्पिटल 215 नंबर बस जाएगी। अगर आप मुझे नहीं बताते तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाती, और अगर नहीं पहुंच पाती तो ये बच्चा कैसे पैदा होता? सच कह रही हूँ ना, आप ही बताइए। देखा ना बोल बच्चन तूने इसके। मुझे दर्द ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस बार ऑटो से चली जाती हूँ। आप जाइए ना ऑटो। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल चलना है। बाय। अरे बाप रे, जान बचा ली आज तो भगवान ने। ये बस स्टॉप अपने लायक नहीं है भाई। चल चलते हैं यार, जगह खाली करते हैं भाई। आंटी। आंटी। हरीश, अकेले सामान रखने में मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। थैंक्स। बहुत भारी है ना? हेलो, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर। सॉरी हरीश, पैर फिसल गया था मेरा, इसकी वजह से वो। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा नहा कर आऊं, तुम थोड़ा इंतजार करो। कितना टाइम लगेगा? डेढ़ घंटा लगेगा। चक 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 चक। ये सुधरेगा नहीं। ओए, तुझे कितनी बार कहा सिगरेट मत पिया कर। अरे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन भर में सिर्फ दो ही तो सिगरेट पी रहा हूँ। ये नहीं सुधरेगा। एक्सक्यूज मी ब्रदर, थोड़ा लाइटर मिलेगा? हेलो, तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? ये क्या हो रहा है यार? वही तो यार। ए, तुम वही हो ना गर्भवती जो हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रही थी? हाँ तो उससे क्या हुआ अब? ए, ये अब कहाँ गया? अकल है कि नहीं, बच्चे को पेट में लेकर जिंदगी भर घूमूंगी क्या? पिछले ही हफ्ते रिलीज हो गया, उसका नाम हरीश ही रखा है। ए, मेरा नाम कैसे रख सकती है? अरे यार, तेरा इनिशियल नहीं रख सकते, लेकिन नाम तो रख सकते है ना। ए, तू लड़की है क्या? तुमने तो उस दिन देखा था ना, मैं पेट से थी, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना डाउट है कि मैं लड़की हूँ कि नहीं हूँ। चल, तू लड़की जात पर कलंक है, मेरी नजरों से हट जा। ए, ये पब्लिक प्लेस है, या मैं खड़ी रहूँ या डांस करूँ, तुझे इससे क्या? ठीक है ठीक है, तू खड़ी रह के डांस करते रहे, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चल यार। ए, लाइटर। देखियो क्या लड़की है यार। निकल। उसने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या करने वाले हो? वही तो सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब अगली बार वो तुम्हें मिले तो कस के एक तमाचा मार देना उसे, फिर देखना तुम्हारे आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं करेगी। करेक्ट, ऐसा ही करूंगा अब मैं।
हाँ वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, चलो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हरीश। ओह थैंक यू वेरी मच, आज मेरा बर्थडे है, मैं ही भूल गया था। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये लो इसे पहन कर दिखाओ। नहीं मैं घर से पहन के आता हूँ ना। घर क्यों जाना है, यही पहन लो ना। चलो पहन लो। नहीं, चलो मैं पहना देती हूँ, ठीक रहेगा। Nice body you have. सच कहूँ तो इस टी शर्ट में तुम वाकई में हैंडसम लग रहे हो, सो स्वीट। लेकिन मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कुछ और भी देना चाहती हूँ। क्या चीज? निर्मला ने मुझे जो गिफ्ट दिया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे बदन में जो हलचल हुई इसके पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। क्या बात है हरीश, इस वक्त आए हो? क्या हुआ है हरीश? तुमने जो किया मेरे साथ। मैंने क्या किया? वही जो तुमने किस किया था ना। देखो मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने किस किया, इसमें क्या गलत बात है? नहीं मुझे वो कुछ हो रहा है। मैंने किस किया, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो मेरे एक दो तीन गिनने तक तुम यहां से चले जाओ और उसके बाद मुझसे कभी मिलना तक नहीं। एक, दो, तीन, हरीश तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? प्लीज मत जाओ, मेरा यहाँ और कौन है? मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है हरीश, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रो मत, प्लीज दया करके रो मत, रो मत, चुप हो जाओ प्लीज। हरीश, 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 Thank you.
निर्मला आंटी मुझ पे जान छिड़कती हैं, वो मुझे बहुत खुश रखती हैं। निर्मला आंटी नहीं नहीं, अब से उनको आंटी नहीं बोलूँगा, निर्मला। उसने मुझे एक नई दुनिया का एहसास कराया। निर्मला तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। झिंचक चक झिंचक। ढिंचाक चक ढिंचाक चक ढिंचाक चक ए ढिंचाक चक ढिंचाक चक। हरीश कम ऑन। Naughty boy. हरीश ये क्या? अब क्या कहूँ मैं तुमसे, सब तुम्हारी वजह से। तो थोड़ा वेट करो, मैं सब्जी बना कर आती हूँ। नहीं होगा मुझसे। ओके ओके ओके। क्यों हरीश, मुझे देखे बिना नहीं रह पा रहे हो क्या? कैसे रहूं? जिस दुनिया से मैं अब तक अनजान था वो दुनिया तुमने तो दिखाई है। आओ ना, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मुझे पता है। ये मुझे भी पता है, जो कुछ भी हम दोनों कर रहे हैं उसमें हम दोनों की पूरी तरह से मंजूरी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोनों का प्यार परवान कैसे चढ़ेगा? कितना टाइम? एक घंटा लगेगा। ओके। चक 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 चक। बुआ, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, बच्चों को ऐसे ही छोड़ना गलत बात है। वैसे आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आई। कहाँ बेटा, अब उम्र हो गई है, घर में तो चल नहीं पाती हूँ, गांव में कहाँ से आ पाऊंगी। और बेटा गांव में सब लोग ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ काम से सूरत जा रहा था। हाँ। सोचा आपसे भी मिलता हुआ चलूं। देखो मेरा पोता भी आ गया, खम्बे जैसा लंबा हो गया। हाँ, है। इसे बचपन में देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। कौन से क्लास में पढ़ते हो? बीसीए सेकंड ईयर। हाँ ठीक है, पढ़ो। ये मेरे भाई का एकलौता बेटा है। तो मैं क्या करूँ?